नोट फोर बीट का मतलब क्या है, ये फोर बीट तक सस्टेन करेगा, फोर काउंट तक। जैसे आपने हिट किया 1 2 3 4, इट विल सस्टेन फॉर फोर काउंट। लाइक आई एम प्लकिंग दिस, सपोज 1 2 3 4। हाफ नोट क्या है? टू बीट्स। टू बीट्स मीन्स 1 2 स्टॉप, ओनली टू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टाफ नोटेशन कैसे रीड करते हैं। स्टाफ नोटेशन के लिए मैंने जो बुक अभी सिलेक्ट की है उसका नाम है हाल लेनर्ड गिटार मेथड बुक। तो मैं फोकस कर रहा हूँ हिंदी में बनाने का, ताकि जो हमारे इंडियन लोग हैं वो इसको आसानी से सीख सकें। बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, इंग्लिश में देखते हैं वीडियो और स्किप कर देते हैं इसको। तो ये बुक देख सकते हैं आप, हाल लेनर्ड गिटार मेथड बुक 1। तो ये बहुत ही सिंपल बुक है, इसके 3 पार्ट हैं, 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे सभी पार्ट। तो अगर आप ये बुक खरीदते हैं तो इस पे फर्स्ट पेज ऐसे कुछ सिंपल एक्सरसाइज हैं, टाइप्स ऑफ गिटार, देन अबाउट ट्यूनिंग्स। तो ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 से। सॉरी, हम स्टार्ट करेंगे म्यूजिकल सिंबल से, म्यूजिकल सिंबल्स। तो आप जब बुक खरीदोगे तो आप पेज नंबर 5 से स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट लेसन इज म्यूजिक सिंबल्स। सो म्यूजिक सिंबल जब आप देखोगे तो आपको फर्स्ट मिलेगा कि स्टाफ। स्टाफ क्या होता है? स्टाफ सिर्फ 5 जो लाइनें होती हैं जिसमें स्पेसेस और लाइंस होती हैं, उसको हम बोलते हैं स्टाफ। सिंपल 5 लाइंस आप डिस्प्ले में भी देख सकते हो। उसके बाद सबसे पहले जो स्टाफ पे एक सिंबल आता है एस टाइप, उसको बोलते हैं ट्रिबल क्लेफ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो ट्रिबल क्लेफ आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रिबल क्लेफ। अभी आपको समझ शायद ना आए जो नोटेशन सीख रहे हैं, तो आप जस्ट अभी देखते जाओ सिंबल, आप याद करते जाओ इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सभी कुछ क्लियर होने लगेगा। तो अभी 5 लाइन्स स्टाफ, और जो फर्स्ट सिंबल है उसको ट्रिबल क्लेफ, ट्रिबल क्लेफ और जी क्लेफ भी बोलते हैं इसको। जी क्लेफ क्यों बोलते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी जो लाइंस के ऊपर नोट्स आएगा उसको बोलते हैं लाइन नोट्स, ओके लाइन नोट्स। और जो स्पेसेस के अंदर नोट्स आएंगे उसको बोलते हैं स्पेस नोट्स। या तो अभी लाइन नोट्स जो होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट लाइन पे होता है ई नोट। ये थोड़ा थियोरेटिकल हो रहा है मेरे को पता है, पर आप अभी इसको फोकस कीजिए। और ई कहाँ पे प्ले करना मैं बताऊंगा अभी सभी। तो फर्स्ट नोट होता है, फर्स्ट लाइन पे अगर कोई नोट आता है उसको बोलते हैं ई नोट। सेकंड पे होता है उसको बोलते हैं जी, थर्ड पे बी, फोर्थ पे डी, फिफ्थ पे एफ। सो ई जी बी डी एफ, इसको आप एक फ्रेज के रूप में याद कर सकते हैं, जैसे एवरी गुड बॉय डज फाइन, एवरी गुड बॉय डज फाइन। तो जैसे आप बोलोगे एवरी गुड बॉय, तो मीन्स बॉय बी, थर्ड लाइन नोट नेम इज बी, एवरी गुड बॉय डज डज, फोर्थ लाइन इज डी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो उसको। उसके बाद आता है स्पेसेस के अंदर नोट। स्पेस के अंदर जो नोट होते हैं वो बहुत सिंपल होता है, एफ ए सी ई, फेस, सिंपल फेस होता है। जो वो फर्स्ट स्पेस है जो एफ, सेकेंड स्पेस है जो ए, थर्ड स्पेस है जो सी, फोर्थ स्पेस है जो ई, फेस। तो आप फेस अगर याद करते हो तो आपको स्पेस नोट भी याद हो जाएंगे। तो ये था हमारा स्टाफ, ट्रिबल क्लेफ, लाइन नोट्स, स्पेस नोट्स। और अब हम जाते हैं फिफ्थ जो डायग्राम है वो है बार लाइंस। बार लाइंस क्या होती हैं? तो जो आप स्क्रीन में देख रहे हो जो इतना ये मार्क एरिया है इसको बोलते हैं बार, और जो इसको डिवाइड करती हैं, पार्टीशन करती हैं, इसको बोलते हैं बार लाइंस। तो ये जो है इसको बार बोलते हैं और मेजर भी बोलते हैं। तो जो इसको डिवाइड करती हैं लाइंस उसको बोलते हैं बार लाइंस। और लास्ट में जहाँ पे कंपोजिशन एंड होती है वहाँ पे आते हैं डबल बार्स। जहाँ पे आप देखोगे ना डबल बार मींस कंपोजिशन एंड हो रही है वहाँ पे। तो उसके बाद नोट्स होते हैं, यहाँ पे नोट्स हैं, फर्स्ट होल नोट, सेकंड हाफ नोट एंड देन क्वार्टर नोट। तो फर्स्ट नोट है होल नोट, होल नोट इज इक्वल टू 4 बीट्स, हाफ नोट इज इक्वल टू 2 बीट्स, क्वार्टर नोट इज इक्वल टू 1 बीट्स। होल नोट 4 बीट का मतलब क्या है? ये 4 बीट तक सस्टेन करेगा, 4 काउंट तक। जैसे आपने हिट किया 1 2 3 4, इट विल सस्टेन फॉर 4 काउंट। लाइक आई एम प्लकिंग दिस, सपोज 1 2
थ्री फोर, लाइक दिस, वन टू थ्री फोर। अगर ये फोर काउंट तक सस्टेन कर रहा है तो ये होल नोट है। हाफ नोट क्या है? टू बीट्स। टू बीट्स मीन्स वन टू स्टॉप, ओनली टू। तो होल नोट वन टू थ्री फोर, फोर काउंट। हाफ नोट हाफ ऑफ होल, सो वन टू। तो उसके बाद आता है क्वार्टर नोट। क्वार्टर नोट ओनली वन बीट, सो क्वार्टर नोट इज लाइक वन, दैट्स इट, वन ओनली। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। अगर किसी को कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।